यूहन्ना का तीसरा खत। मुझ बुजुर्ग की तरफ से उस प्यारे गयुस के नाम जिससे मैं सच्ची मोहब्बत रखता हूं। अय प्यारे, मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरी उस सच्चाई की गवाही दी जिस पर तू हकीकत में चलता है तो मैं नहायत खुश हुआ। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं कि मैं अपने फर्जंदों को हक पर चलते हुए सुनूं। केयूस नामी शख्स की तारीफ। ऐ प्यारे, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी भी हैं, वो दयानत से करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरी मोहब्बत की गवाही दी थी। अगर तू उन्हें उस तरह रवाना करेगा जिस तरह खुदा के लोगों को मुनासिब है तो अच्छा करेगा, क्योंकि वो उस नाम की खातिर निकले हैं और गैर कौमों से कुछ नहीं लेते। बस ऐसों की खातिरदारी करना हम पर फर्ज है, ताकि हम भी हक की ताईद में उनके हम खिदमत हों। दियुत्रिफेस और दिमित्रियुस। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, मगर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें कबूल नहीं करता। बस जब मैं आऊंगा तो उसके कामों को जो वो कर रहा है याद दिलाऊंगा कि हमारे हक में बुरी बातें बकता है और इन पर कनायत न करके खुद भी भाइयों को कबूल नहीं करता, और जो कबूल करना चाहते हैं उनको भी मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। ऐ प्यारे, बदी की नहीं बल्कि नेकी की पैरवी कर। नेकी करने वाला खुदा से है, बदी करने वाले ने खुदा को नहीं देखा। दिमित्रियुस के बारे में सब ने और खुद हक ने भी गवाही दी, और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। तस्लीमात। मुझे लिखना तो तुझको बहुत कुछ था, मगर स्याही और कलम से तुझे लिखना नहीं चाहता, बल्कि तुझसे जल्द मिलने की उम्मीद रखता हूं। उस वक्त हम रूबरू बातचीत करेंगे। तुझे इत्मीनान हासिल होता रहे। यहाँ के दोस्त तुझे सलाम कहते हैं, तू वहां के दोस्तों से नाम बनाम सलाम कह।